विकासखंड मीहपुरवा अंतर्गत बॉर्डर क्षेत्रों में सांसद अक्षयवर लाल गौड़ ने बूथ अध्यक्षों से संपर्क कर नुक्कड़ सभा का आयोजन किया। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियों ने हुंकार भरी है। इस चुनाव के मद्देनजर कारीकोट, रामपुरवा, चफरिया, बाजपुर, बनकटी व जंगल कुल्हरिया में सांसद ने सरकार की योजना प्रधानमंत्री आवास, हर घर नल, सौभाग्य बिजली योजना, पेंशन के बारे में चर्चा कर रकम बढ़ाने की बात कही। वहीं राम मंदिर की चर्चा की कश्मीर की धारा 370 के बारे में भी बताया। अन्य विकासशील योजनाओं के बारे में भी बताया। वहीं बूथ अध्यक्षों ने नए मतदाताओं को भाजपा पार्टी को वोट करने के लिए प्रेरित करने को कहा और देश के भविष्य निर्माण में अपना योगदान दे। इस मौके पर पूर्व मंडल अध्यक्ष व जिला कार्यकारिणी सदस्य बहराइच जितेंद्र तिवारी, मंडल अध्यक्ष चफरिया राजेश गुप्ता, तरुण तिवारी, तेजस विधानसभा संयोजक आईटीआई विभाग शहलवा, प्रधान प्रतिनिधि प्रीतम निषाद, चफरिया प्रधान अजीज अहमद, संतोष मौर्य, प्रमोद आर्या, मनोज कौर, घुरे प्रसाद मौर्य, निखिल तिवारी, प्रचार प्रसार प्रमुख कृष्णा पांडे, प्रखंड संयोजक राम सिंह, अर्पित सिंह, सूरज सिंह, विनय विश्वकर्मा, लवकुश कुमार, सूरज विश्वकर्मा व सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता व ग्रामीण मौजूद हैं। मीहपुरवा से कृष्णा पांडे की रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। अहमद भी मौजूद है और निखिल तिवारी, संदीप पोरवाल, विद्या प्रकाश, इस सेक्टर के संयोजक संतोष मौर्य जी, प्रीतम प्रधान जी चालुआ, हमारे गुरु गुरे चाचा जी और हमारे मंडल के यशस्वी युवा तेज तर्रार मंडल अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी और शबरी बाबा से चल के आए हमारे मनोज भैया जो प्रधान है वहाँ के, और तिवारी जी, विद्या प्रकाश पांडे जी, संजीव गौड़ जी, लखा जो भारतीय जनता पार्टी के हमेशा हर कार्यक्रम में बहुत ही तेज तर्रार लड़ाई झगड़ा भी कर लेते हैं।